हेलो एवरीवन वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कामनी आज हम करेंगे कुछ और एम सी हमारे ग्रामर सेक्शन से जो हमारा फाइनल ईयर सिक्स सेमेस्टर है उसके ही कुछ और एम सी करेंगे ग्रामर के बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम सिलेबस बताइए ग्रामर का कि क्या है कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम पूरा कवर कराइए तो मैं अपनी सारी वीडियो में ग्रामर की जो भी जितनी भी वीडियो हैं उन सब में मैंने सारा ही टॉपिक कवर कर रखा है हमारा जो टॉपिक आ रहा है फाइनल ईयर में वो है हमारा प्रेसी समराइजिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस लेटर राइटिंग और कॉम्प्रिहेंसन तो मैंने इन्हीं में से एम सी क्यू पुटअप्स कर रखे हैं और इन्हीं में से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ये श्योर कर लें कि आपके ये पांच ही टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं और जो पेपर में आएंगे तो चलिए आगे और देखते हैं कुछ एम सी क्यू क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन के चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन है समवन हु कैन नॉट बी इलेक्टेड और अपॉइंटेड वो जो इलेक्ट नहीं किया जा सकता जो अपॉइंट नहीं किया जा सकता तो उसे हम कहते हैं इनएलिजिबल यानी वो उसके लायक like नहीं है इनएलिजिबल नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड जो समझा ना जा सके तो उसे हम कहते हैं इनकॉम्प्रीहसिव नेक्स्ट इज दैट विच इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब एडिक्वेटली जो पूरी तरह से डिस्क्राइब करना मुश्किल हो तो उसे हम कहते हैं इनडिस्क्राइबल। और इनफेबल आप दोनों इसको कह सकते हैं दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो आप चूज कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा समथिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट वो जो इम्पॉर्टेंट ना हो तो वो होता है हमारा इनसिग्निफिकेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज़ शुड बी अवॉइड इन द प्रेसी अब इनमें से कौन सी चीज़ को प्रेसी में अवॉइड करना चाहिए इमेजरी वर्ब्स प्रोनाउन इन डायरेक्ट स्पीच तो इसका आंसर है फर्स्ट हमें इमेजरी को अवॉइड करना चाहिए प्रेसी में नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग दैट इजिली कैचेस फायर मतलब जिसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है तो उसे हम कहते हैं इन फ्लेमेबल इन फ्लेमेबल नेक्स्ट है हमारा कंसीलिंग वंस ट्रू आइडेंटिटी मतलब किसी ट्रू आइडेंटिटी को कंसील करना यानी छुपाना तो उसे हम कहते हैं इनकॉग्टो इन in कॉग नेक्स्ट है हमारा द मेन पॉइंट इज रिटर्न इन विच पार्ट ऑफ द लेटर अब इनमें से जो मेन पॉइंट है वो कहाँ पे लिखा जाता है कौन से में लिखा जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट में क्लोजिंग में ओपनिंग में या बॉडी में तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो भी हमारा मेन मकसद है लिखने का वो हम लिखते हैं बॉडी में लेटर की बॉडी में तो इसका ऑप्शन है हमारा फोर्थ नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हेडेड बाय मोनार्च किंग और क्वीन यानी वो गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलती हो किंग या क्वीन के द्वारा तो उसे हम कहते हैं मोनार्ची नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग टू वाइफ्स मतलब दो वाइफ्स से शादी करना दो वाइफ्स का होना वो होता है हमारा बिगैमी बी गैमी नेक्स्ट है हमारा द कस्टम ऑफ हैविंग ओनली वन वाइफ मतलब सिर्फ एक वाइफ का होना वो होता है हमारा मोनोगैमी मोनोगैमी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रिहेंशन हेल्प स्टूडेंट इन इंक्रीजिंग अब जो कॉम्प्रीहेंशन है वो स्टूडेंट को हेल्प करता है क्या बढ़ाने में लर्निंग एबिलिटी रीडिंग एबिलिटी ओरल एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी तो इसका आंसर है फोर्थ यानी कि अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कॉम्प्रीहेंशन हेल्प करता है स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने में नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरिंग विद इन द कास्ट मतलब सेम कास्ट में शादी करना तो वो होता है हमारा एंडोगैमी एंडोगैमी नेक्स्ट है हमारा समथिंग लाइकली टू कॉज डेथ मतलब जो मरा मरा सा हो यानी कि मरने के करीब हो तो उसे हम कहते हैं डेडली डेडली नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इन अ स्पीच मस्ट बी अवॉइडेड इन समरी मतलब इनमें से कौन सी चीज को अवॉइड करना चाहिए समरी में फैक्ट्स आइडियाज रिपीटिशंस वर्ब तो फैक्ट्स तो हमें डालने ही हैं समरी में आइडियाज भी डालने हैं वर्ब्स भी डालने हैं तो हम इसमें अवॉइड करेंगे क्या रिपीटिशंस यानी हम बार बार नहीं डाल सकते कोई चीज़ तो रिपीटिशन इसका थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वुमन हु रिमेन्स अनमेरिड वो वूमेन जो हमेशा अनमेरिड रहती है तो उसे हम कहते हैं स्पिनस्टर स्पिनस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डॉक्टर हु ट्रीट डिसीजेज एंड डिसडर ऑफ द नर्वस सिस्टम वो डॉक्टर जो ट्रीट करता है किसको नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को तो वो होता है न्यूरोलॉजिस्ट इसी में इसका आंसर है नर्व और न्यूरो सेम होता तो इसीलिए इसका आंसर न्यूरोलॉजिस्ट नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर हु ट्रीस डिसीजेज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस आ, क्योर करता है यानी ट्रीट करता है उसको क्या कहते हैं उसको हम गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट स्पेलिंग जरूर ध्यान दें आप इनकी स्पेलिंग जरूर देख लें आप हो सकता है अलग स्पेलिंग दें और आपको उसमें से करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी हो नेक्स्ट है हमारा अ डॉक्टर हु ट्रीज आई डिफेक्ट इंजरीज एंड डिसीज वो डॉक्टर जो आई डिफेक्ट और आई इंजरीज को ट्रीट करता है तो उसे हम कहते हैं ऑफ थामोलोजिस्ट ऑफ था मोलोजिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कैन नॉट बी सेड अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन अब इनमें से क्या नहीं कहा जा सकता कॉम्प्रीहेंशन के बारे में क्वेश्चन एंड मस्ट बी इन सेम टेंस क्वेश्चन आंसर सेम टेंस में होने चाहिए राइट ओन ओपिनियन खुद के हम थॉट लिख सकते हैं गिव आंसर इन फुल सेंटेंस आंसर को फुल सेंटेंस में देना है रीड क्वेश्चन थ्राइस क्वेश्चन को थ्राइस बार पढ़ना है तो इसका आंसर है सेकेंड हम अपनी ओपिनियन नहीं रख सकते इसमें जो हमें पूछा गया है कॉम्प्रीहेंशन में हमें वही आंसर देना होता है ठीक है तो इसमें हमारा आएगा सेकेंड ऑप्शन राइट ओन ओपिनियन ये चीज़ हम नहीं कह सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पर्सन गोइंग आउट ऑफ कंट्री जो पर्सन कंट्री के बाहर जा रहा है उसे हम कहते हैं एमीग्रेंट एमी ग्रेंड नेक्स्ट है हमारा सम वन न्यू टू समथिंग इन एक्सपीरियंस्ड यानी जो किसी में किसी नया हो जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो तो वो होता है नो वाइस नो वाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु रीड्स बुक्स ईगरली मतलब जो उत्सुकता के साथ किताबों को पढ़ता है जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है तो उसे हम कहते हैं वरासियस वरासियस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड अब जो मानवता से प्यार करता है मैनकाइंड से प्यार करता है उसे हम कहते हैं फिलान थैरोपिस्ट फिलान थैरोपिस्ट नेक्स्ट है हमारा अब जो हेट करता है अ पर्सन हुट्स मैनकाइंड तो उसे हम कहते हैं मिसानो थैरोपिस्ट मिसान थेरोपिस्ट। तो जो लव करता है वो फिलान थेरेपिस्ट जो हेट करता है वो फिलान थेरेपिस्ट मिलान थेरेपिस्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु हुजली बिलीव वॉट अदर सेज मतलब वो जो इजली मान जाए कि अदर लोगों ने क्या कहा है जो भी लोग कुछ कह दें वो उसको मान लेता है तो उसके लिए हम कहते हैं क्रीड्यूलस क्रीड्यूलस नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन इज़ वेरी सिलेक्टिव इन टेस्ट मतलब जो स्वाद में काफ़ी सेलेक्टिव हो यानी चूज़ करके खाने वाला हो तो वो होता है हमारा फास्टडियर्स फास्टी नेक्स्ट है हमारा अ टैंक फॉर वाटर प्लांट एंड फिश वो टैंक जो वाटर प्लांट और फिश के लिए होता है तो उसे हम कहते हैं एक्वेरियम एक्वेरियम नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑफिस विद वर्क बट नो सैलरी मतलब एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे काम तो है पर सैलरी नहीं है तो उसे हम कहते हैं हॉनररी ऑनररी नेक्स्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेज़र हार्ट बीट जो इंस्ट्रूमेंट हार्ट बीट को मेज़र करता है उसे हम कहते हैं कार्डियोग्राफी कार्डियोग्राफी नेक्स्ट है हमारा एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द डिस्टर्बेंस अंडर द अर्थ यानी जब हमारा अर्थ क्विक आता है कोई डिस्टर्बेंस होती है हमारे अर्थ के नीचे तो वो किससे मेज़र की जाती है वो सिस्मोग्राफी से मेज़र की जाती है स्पेलिंग ज़रूर देखें आप इसकी नेक्स्ट है पॉपुलर नॉन एज लाई डिटेक्टर मेज़र मतलब जो एक बहुत पॉपुलर चीज़ है जिसको हम लाई डिटेक्टर भी कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं पॉलीग्राफी इसको दूसरे नाम से क्या कहते हैं पॉलीग्राफी नेक्स्ट है हमारा एन एनिमल और प्लांट दैट लीव्स अपॉन द बॉडी ऑफ अनदर यानी एनिमल और प्लांट जो डिपेंड करते हैं जो रहते हैं किसके ऊपर डिपेंड अन के ऊपर तो वो होते हैं हमारे पैरासाइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंस ऑफ गार्डनिंग मतलब गार्डनिंग करने की साइंस क्या कहलाती है हॉर्टिकल्चर हॉर्टी कल्चर नेक्स्ट है हमारा संबंध हुए साय क्वाइट एंड अनेबल टू मेक फ्रेंडली ईजी यानी फ्रेंड्स बनाने में काफ़ी सरमाता हो जो काफ़ी शाई हो और जो बहुत चुप चुप रहता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ड इंट्रोवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु हैज़ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट अदर पीपल एंड थिंग्स दे डू। मतलब जो दूसरे के लिए गलत राय रखते हैं जो गल, आ, दूसरों के लिए गलत विचार रखते हैं उन्हें लगता है कि सामने वाले जो हैं वो गलत ही हैं तो वो होते हैं हमारे साइनिक साइनिक तो ये थे आज के हमारे थर्टी फाइव और एम सी क्यू होपफुली आप अच्छे से याद कर लेंगे वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं ताकि माइंड में अच्छे से बैठ जाए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही तो आज के लिए इतना ही बाय बाय